हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को, और ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट भी एग्जाम के हिसाब से, ठीक है। तो इन द गिवन फिगर, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, इन द गिवन फिगर पी ए क्यू बी एंड आर सी ईच इज परपेंडिकुलर टू ए सी। तीन लाइन दिया हुआ है, पी ए क्यू बी और आर सी, और ये तीनों ही लाइन ए सी के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उसको हम लोग लिख लेंगे, पी ए परपेंडिकुलर ए सी, क्यू बी परपेंडिकुलर ए सी और आर सी परपेंडिकुलर ए सी, ठीक है। ये दिया हुआ है सच डेट पी ए इक्वल टू एक्स, ये जो लाइन पी ए है इसको नाम दिया हुआ है एक्स, स्मॉल लेटर एक्स, आर सी इक्वल टू वाई, क्यू बी इक्वल टू जेड, ए बी इक्वल टू ए से लेके बी तक इसको स्मॉल लेटर ए से डिनोट कर रहे हैं, और बी सी इक्वल टू बी, स्मॉल लेटर बी। हमें प्रूव क्या करना है इस क्वेश्चन में, प्रूव डैट वन बाई एक्स, वन अपॉन एक्स प्लस वन अपॉन वाई इक्वल टू वन अपॉन जेड, ये हमें प्रूव करके दिखाना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, इसको कैसे बनाएंगे, इसमें हमें रिलेशन लाना है एक्स वाई और जेड में, ठीक है, एक्स वाई और जेड में। तो कैसे आएगा, इन ट्राइंगल सी क्यू बी और सी पी ए, ये छोटा ट्राइंगल सी क्यू बी और सी पी ए को अगर सिमिलर कर देते हैं तो जेड और एक्स में रिलेशन आ जाएगा, और फिर ये छोटा ट्राइंगल ए क्यू बी और ए आर सी को अगर सिमिलर कर देंगे तो जेड और वाई में रिलेशन आ जाएगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को प्रूफ। इन ट्राइंगल ए क्यू बी एंड ए आर सी, इन ट्राइंगल ए क्यू बी एंड ट्राइंगल ए आर सी, दोनों ही ट्राइंगल में क्या है, एक एक 90 डिग्री मिल गया। इस ट्राइंगल ए क्यू बी में ये एंगल बी 90 डिग्री है और ए आर सी में ये पूरा एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। तो लिखते हैं एंगल ए बी क्यू, एंगल ए बी क्यू इक्वल टू एंगल ए सी आर 90 डिग्री, और एंगल ए दोनों ही ट्राइंगल में आ रहा है, ए क्यू बी और ए आर सी दोनों ही ट्राइंगल में क्या है, एंगल ए आ रहा है, और तो एंगल ए इक्वल टू एंगल ए कॉमन, देयरफॉर ट्राइंगल ए क्यू बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए आर सी बाई ए सिमिलरिटी, दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गया। अब जब दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो उसके साइड को प्रोपोर्शनल करके लिख सकते हैं हम लोग, तो लिखेंगे ए क्यू पहला दो लेटर बाई पहला दो लेटर ए क्यू अपॉन ए आर इक्वल टू क्यू बी अपॉन आर सी इक्वल टू ए बी पहला और आखिरी लेटर ए बी अपॉन ए सी। साइड प्रोपोर्शनल लिखते वक्त हम तीनों ही लिखते हैं क्योंकि मैक्सिमम इतना ही हो सकता है, अब किसी दो का यूज़ होता है तो फिर एक को हम हटा देते हैं, छोड़ देते हैं, ठीक है, इतना मैच नहीं करेंगे कि किसका यूज़ हो रहा है, किसको लिखना है, किसको, तीनों ही लिख लो, जिसका यूज़ होगा ठीक है, एक का यूज़ नहीं होगा उसको काट देंगे। तो अब ए क्यू क्या हो गया, ए क्यू का कोई यूज़ नहीं है इसमें, इस वाले पार्ट का ए क्यू और ए आर का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इसका कोई यूज़ नहीं है, तो इसको लिखेंगे ही नहीं, ठीक है। मतलब अगर लिख लिए तो अगले लाइन में फिर से इतना ही पार्ट रिपीट करके लिख लेंगे। अब क्यू बी अपॉन आर सी, तो क्यू बी क्या है, ये हो गया क्यू बी जेड अपॉन आर सी हो गया वाई, तो क्यू बी हो गया जेड, इसको नहीं लिखेंगे, इसको हटा देंगे, क्यू बी अपॉन जेड अपॉन वाई इक्वल टू ए बी, ए बी हो गया ये स्मॉल लेटर ए, और ए सी क्या हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा, तो ये ए प्लस बी, इसको जोड़ के लिख देंगे अपॉन ए प्लस बी, तो ये एक रिलेशन आ गया, इसको नाम दे देते हैं पॉइंट नंबर वन, ठीक है। फिर इसके बाद इन ट्राइंगल, इधर से लिए थे ए क्यू बी और ए आर सी लिए थे, अब लेंगे ट्राइंगल सी क्यू बी और सी पी ए, इन ट्राइंगल सी क्यू बी एंड ट्राइंगल सी पी ए सिमिलरली, दोनों ये दोनों ट्राइंगल भी सिमिलर हो जाएगा, क्यों, दोनों ही ट्राइंगल में एंगल सी इक्वल टू एंगल सी कॉमन आ रहा है, और एंगल सी बी क्यू इक्वल टू एंगल सी ए पी 90 डिग्री, देयरफॉर ट्राइंगल सी क्यू बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी पी ए, ए सिमिलरिटी से ये दोनों ट्राइंगल भी सिमिलर हो गया। जब ये दोनों ट्राइंगल भी सिमिलर हो गया तो इसके भी साइड को हम प्रोपोर्शनल करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो देयरफॉर कहाँ लिखें इसको, यहीं लिख लेते हैं, देयरफॉर सी क्यू अपॉन सी पी इक्वल टू क्यू बी
अपॉन पी ए इक्वल टू पहला और आखिरी लेटर सी बी अपॉन सी ए। तो इसमें देखते हैं सी क्यू क्या है, सी क्यू ये हो गया सी क्यू और सी पी, इसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इसका यूज़ नहीं है तो इसको नहीं लिखेंगे। तो ये आ गया सिर्फ क्यू बी अपॉन पी ए। क्यू बी क्या है, जेड अपॉन पी ए, पी ए है एक्स इक्वल टू सी बी, सी बी क्या हो गया ये स्मॉल लेटर बी, और सी ए क्या हो जाएगा ये पूरा लाइन यहाँ से यहाँ तक, तो कैसे आएगा ये पूरा लाइन बी और ए दोनों को जोड़ देंगे तो हो गया नीचे में ए प्लस बी। तो ये एक रिलेशन आ गया, इसको हम नाम दे देते हैं पॉइंट नंबर टू। तो अब क्या करेंगे हम, पॉइंट नंबर वन और पॉइंट नंबर टू दोनों को ऐड कर देंगे तो जो प्रूव करना है ये वाला पार्ट हमारा आ जाएगा। तो सॉल्व करते हैं इसको, एडिंग वन एंड टू दोनों को ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है जेड अपॉन वाई प्लस जेड अपॉन एक्स, जब ऐड करेंगे तो लेफ्ट वाला पार्ट लेफ्ट वाले में ऐड हो जाएगा और राइट वाला पार्ट राइट वाले में ऐड हो जाएगा, इक्वल टू ए अपॉन ए प्लस बी प्लस बी अपॉन ए प्लस बी। तो यहां पे क्या हुआ, जेड कॉमन आ गया, जेड कॉमन आ गया, तो क्या बचा वन बाई वाई प्लस वन बाई एक्स, और यहां पे दोनों क्या है ए प्लस बी, ए प्लस बी दोनों का ही डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम सेम हो गया, ये हो गया ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा ए न्यूमरेटर न्यूमरेटर पार्ट ऐड हो जाएगा। तो ऐसा करने से क्या हुआ, ये पूरा पूरा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मैच हो गया, तो ये कट के इस पूरे का वैल्यू क्या हो जाएगा वन। तो ये आ गया जेड ब्रैकेट में वन बाई वाई प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू वन, जेड को यहाँ से रिमूव करेंगे जेड यहाँ नीचे आ जाएगा, तो ये आ गया वन बाई वाई प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू वन बाई जेड, और यही हमें प्रूव करके लाना था। वन बाई एक्स प्लस वन बाई वाई पलट के इसको पहले लिख देंगे, इसको बाद में लिख लेंगे, वन बाई एक्स प्लस वन बाई वाई इक्वल टू वन बाई जेड।